खबर अब झारखंड से है, जहां बोकारो में मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और तुपराडीह रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन जो है ड्रेल हुई है और हादसे के बाद पूरे रूट के ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। डाउनलाइन ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। आरपीएफ बोकारो की 15 सदस्यीय टीम भी मौके पर मौजूद है। तो एक बार फिर से रेल हादसा जो है वो हुआ है, लेकिन मालगाड़ी के दो डिब्बे जो हैं वो दो हिस्सों में पूरा मालगाड़ी जो है वो बट गया, ये जानकारी सामने आ रही है और इससे यातायात जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस घटना के बाद से अपलाइन और डाउनलाइन दोनों पर रेलवे यातायात जो है वो प्रभावित नज़र आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो टीम है आरपीएफ की वो पहुंच रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। माल गाड़ी के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है। मालगाड़ी में कोयला जो है वो भरा हुआ था और ऐसे में हादसा किन कारणों की वजह से हुआ इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। जांच जो है वो इस पूरे मामले में जारी है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां मालगाड़ी जो है वो दो हिस्सों में हो गई और ट्रेन डिरेल होने से पूरे रूट पर जो ट्रेनों की सेवा है वो इस वक्त प्रभावित नज़र आ रही है। वंदे भारत सहित तमाम जो प्रीमियम और एक्सप्रेस ट्रेन है वो प्रभावित हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहा हूँ, जहाँ झारखंड में जो ट्रेन हादसा है वो हुआ है और हादसे के बाद ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई है। डाउन लाइन ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित किया गया है। आरपीएफ बोकारो की 15 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। बोकारो में मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई। बोकारो से ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम पहुंचा भी रहे हैं किस तरीके से हादसे के बाद जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। बोकारो के तुपराडीह में एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। ये मालगाड़ी बोकारो से लोहा लेकर जा रही थी और घटना देर शाम की है, इस वजह से इस रूट पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोहे के साथ साथ आपको बता दें कि कोयला भी इस मालगाड़ी में था और इस दुर्घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक ट्रेन का लोहा चारों तरफ फैल गया है, रास्ता क्लियर करने का काम जारी है, बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। इंजन सहित करीब 50 कोच इस मालगाड़ी में लगे हुए थे। ये दुर्घटना तुपाडी चंद्रापुर बीच मेन लाइन पर हुई है और इस कारण अप डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। इससे वंदे भारत एक्सप्रेस, धनबाद इंटरसिटी, झालदा मुरी सहित अन्य ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही साथ ये प्रमुख रेल रूट मार्ग है जो कि जोड़ता है।